गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स कॉल अगर और मैं हूं कांक्षा। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूं कपीवा के गेट स्लिम जूस का। और ये रिव्यू से ज्यादा गाइस मेरा एक्सपीरियंस वीडियो है, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। सो गाइस आप सभी को पता है कपीवा कोई न्यू ब्रांड नहीं है, एक वेल नोन ब्रांड है और इसकी ऑथेंटिसिटी पे, इसकी प्योरिटी पे किसी को कोई डाउट नहीं है। आपने इसके बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए होंगे, इवन मैंने भी पर्सनली इसके कई सारे प्रोडक्ट यूज किए थे। मैं पिछले एक महीने से कपीवा का वाइल्ड आंवला जूस ले रही थी जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एक बॉटल खत्म होने के बाद इवन मैंने दूसरी बॉटल भी ली और जो मैंने आधी खत्म कर दी है। उसके बाद मैंने गेट स्लिम जूस लेने की सोची क्योंकि इसके रिव्यू बहुत ज्यादा अच्छे थे और ट्रस्ट मी गाइस मैंने एक ही बार में दो बॉटल इसकी ले ली, एक मेरे लिए और एक मेरे हस्बैंड के लिए। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है। एक्चुअली ये मेरी तरफ से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट रहा है, आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सभी को पता है कपीवा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, जो जूस आपको मिलते हैं, वो पूरी तरीके से नेचुरल है। इसमें जो प्रिजर्वेटिव भी होता है वो जस्ट 0.3% वो डाल के रखते हैं क्योंकि प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ नहीं होगी। इस गेट स्लिम वाले जूस में आपको 12 हर्ब्स मिलते हैं जो क्लेम कर रहा है कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपके वेट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प करेगा, आपके एपेटाइट को कंट्रोल करेगा और भी बहुत अच्छे अच्छे ये क्लेम कर रहा है। तो इसी वजह से क्योंकि इस ब्रांड पे मुझे ज्यादा ट्रस्ट हो गया था, इसका आंवला जूस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट को लिया। और मैंने गाइस इसे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लिया, मैंने पर्सनली 3 दिन लिया। पहले दिन मैंने मेरी फ्रेंड के साथ भी शेयर किया और मेरा हस्बैंड भी इसे ले रहा है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं डिसअपॉइंटमेंट की। वैसे तो ये पूरी तरीके से नेचुरल है, आपको इसके साथ कोई हेल्थ इशू मेजरली फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम मुझे इसके साथ हुई है वो हुई है कॉन्स्टिपेशन की। जी हाँ गाइस, वैसे तो ये बोलता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। और इवन हम में तीनों को ये प्रॉब्लम हुई है। जी हाँ गाइस, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराता है। पहले बात यह है कि आपका जो पेट है वो सही से साफ नहीं होगा, आपको पूरा दिन ऐसा लगता रहेगा कि हाँ आपको पॉटी जाना है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपका पेट साफ नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ है और मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा हुआ है। वैसे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन की मुझे प्रॉब्लम हो तो धीरे धीरे मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो गाइस पहले दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन ऐसा हुआ और थर्ड डे हालत ये हो गई कि मुझे हेडेक हो गया, बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक। वो इसलिए नहीं कि इसमें कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो आपको हेडेक दे सकते हैं, लेकिन वो अगर आपका पेट खराब हो तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों को ये अच्छे से सूट किया है उनके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव ड्रिंक हो सकती है। इसके साथ साथ कपीवा क्लेम करता है कि कोई भी अच्छे रिजल्ट आपको शॉर्टकट में नहीं मिलेंगे। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको कोई एक्ने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कोई हीटिंग प्रोडक्ट नहीं है कि आपकी बॉडी में ये हीट जनरेट कर देगा, या फिर इसमें कोई भी सिंथेटिक इंग्रेडिएंट नहीं डाला गया है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ऐसे हर्ब्स जरूर डाली गई हैं जो हो सकता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर करे। उससे क्या होता है गाइस, जैसे कि ये क्लेम कर रहा है कि आपके एपेटाइट को कंट्रोल करेगा, तो क्या होता है कि जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम होती है पेट में, तो आपको खुद ही खाना खाने का मन नहीं करता है। आपको थोड़ी सी लगेगा कि आपको थोड़ी एसिडिटी जैसी हो रही है, थोड़ी गैस आपको लगेगी, लेकिन आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए आपके एपेटाइट को उस सेंस में ये कंट्रोल करता है। इस कपीवा ड्रिंक को भी लेने का तरीका एकदम सेम है। आपको 250 से 300 ml वाटर में 30 ml की क्वांटिटी इस जूस की मिक्स करनी है। इसके साथ आपको एक मेजरिंग कैप मिलती है, आप उसमें डाल के इसे मेजर कर सकते हैं। इसका टेस्ट काफी ज्यादा कसैला है, तो स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन आपको हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद आपको आदत हो जाती है। जब आप इसकी 1 से 2 सिप लेते हैं तब आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो खत्म होती है ना ड्रिंक, वैसे वैसे आपको रियलाइज होता है कि आपके मुंह का टेस्ट बिगड़ते जा रहा है। आपको इसे इसी तरीके से दिन में 2 बार लेना है, एक बार सुबह खाली पेट लेना है और एक बार किसी भी मील से, चाहे तो लंच के टाइम पे चाहे तो डिनर के टाइम पे, लेकिन मील से करीब 1 घंटा पहले आपको इस ड्रिंक को लेना है। ये जो प्रोडक्ट है वो कीटो फ्रेंडली है, 100% वेगन है, ग्लूटेन फ्री है, लैब टेस्टेड है, प्रीमियम क्वालिटी एंड GMP सर्टिफाइड है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।